सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में हिंदी दिवस पर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। संविधान में 14 सितंबर 1939 को राजभाषा के रूप में हिंदी को किया गया था सम्मिलित। पहला हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1993 को। हिंदी के प्रति जागृति हेतु हर वर्ष होता है हिंदी दिवस का आयोजन। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस हिंदी दिवस को मनाने का मुख्य कारण हिंदी के प्रति जागृति लाना है, शिक्षकों में, विद्यार्थियों में और सभी नगरवासियों और प्रदेशवासियों में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग हो। और इसकी सार्थकता तभी है जबकि हम इस और आगे से आगे कार्य करें। हिंदी भाषा को संविधान में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया था। प्रथम हिंदी दिवस सम्मान हिंदी दिवस समारोह 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था और निरंतर 66 वर्ष के पश्चात भी राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के मुख्य आतिथ्य में राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा और यहाँ महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में साहित्यकारों को, गीतकारों को, पूर्व जो हमारे यहाँ हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे और वर्तमान में विभागाध्यक्ष हैं और हिंदी के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको सम्मानित किया गया है। और इससे हमें समाज में ये चेतना देनी है कि हिंदी का हम व्यापक उपयोग किस प्रकार कर सकें। तो एक ये सांकेतिक कार्यक्रम हमने रखा जिसमें आप सभी ने सम्मिलित होकर हमारे हौसला